आज मैं यहाँ पे आरोप लगाना चाहूंगा राजस्थान की सरकार पर, गहलोत की सरकार पर, कि पूर्ववर्ती सरकार में पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय वसुंधरा राजे जी ने भामाशाह योजना के तहत 30,000 से लेकर के 3,00,000 तक का मुफ्त इलाज करने का काम किया था। और उस समय आपको मालूम है कि अपना भामाशाह कार्ड लेकर के जाओ और मुफ्त इलाज करवा के वापिस आ जाओ, किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं देना पड़ता था, चाहे वो सरकारी अस्पताल हो चाहे वो प्राइवेट अस्पताल हो। परंतु अभी चिरंजीवी योजना का क्या हाल है ये आपसे छुपा हुआ नहीं। आज भी गरीब को चिरंजीवी योजना जो राजस्थान सरकार ने गहलोत जी ने लागू की है उसकी सीमा तो 25,00,000 कर दी, परंतु लाभ वो किसी को नहीं मिलता। आज प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाओ तो चिरंजीवी कार्ड को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, और सरकारी अस्पताल में चले जाओ कि इतनी लंबी लाइन लगी हुई है कि उसका नंबर एक एक महीने नहीं आता। तो जो योजना का लाभ भामाशाह से मिला, जो योजना का लाभ आयुष्मान योजना से मिलना चाहिए था, केंद्र सरकार से मिलना चाहिए था, उससे राजस्थान प्रदेश की जनता को महरूम करने का काम किया तो गहलोत की सरकार ने करने का काम किया। जिस प्रकार से राजस्थान प्रदेश में गहलोत की सरकार तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, उस तुष्टीकरण की राजनीति का परिणाम है कि आज पूरे राजस्थान प्रदेश में अराजकता का माहौल फैला हुआ। आज पूरे राजस्थान प्रदेश में महिला अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करती, आज पूरे राजस्थान में दलित अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करता, बच्चियां अपने को सुरक्षित महसूस नहीं करती, जो स्कूल में बच्चियां जाती हैं वो भी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करती, पूरा राजस्थान प्रदेश अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करता। ये केवल मात्र इस गहलोत की सरकार की तुष्टिकरण राजनीति की परिणति है। ये अपना दुर्भाग्य है कि जो राजस्थान प्रदेश जिसका सामने नाम आते ही महाराणा प्रताप, महाराजा सूरजमल, जहरवीर गोगा जी महाराज, वीर तेजा जी महाराज, बाबा रामदेव जी, राणा सांगा, राणा कुंभा और वीर दुर्गादास राठौर जैसी छवि उभर करके आती थी, मीराबाई, पन्नादाई, अमृता देवी के चित्र आंखों के सामने आते थे, आज उसी राजस्थान के बारे में सोचते हैं तो अखबारों में छपी वो खबरें सामने आती हैं, जिसमें मैं आपको कुछ बताऊंगा। गंगानगर के लालगढ़ जाटान में 9 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म कर हत्या कर दी गई। हनुमानगढ़ के पीलीबंगा में 60 साल की महिला के साथ दुष्कर्म कर हत्या कर दी गई। बीकानेर के खाजूवाला में कोचिंग जा रही दलित बच्ची को पुलिस कर्मियों ने अपहरण किया और उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस जो रखवाली है यदि वो भी गहलोत की सरकार में भक्षक बन जाएगी, इसमें भी आरोप लगाना चाहूंगा मैं। इसमें भी एक ही कारण है कि आज राजस्थान प्रदेश के जितने भी थाने हैं वो कांग्रेस के विधायकों के हाथ में गिरवी रखे हुए हैं। जो विधायक चाहता है वो इसी SHO का वहां पे ड्यूटी लग जाती है, वो यदि विधायक चाहता है 2 महीने बाद उसको हटाना है तो उसको हटा दिया जाता है। इस प्रकार से इस गहलोत की सरकार ने पूरे राजस्थान प्रदेश के थानों को इस कांग्रेस के विधायकों में विधायकों के हाथ में दे रखा है। उसके कारण ये सब जो मैं आपको पूरी फेहरिस्त पढ़ता हूं ये एक बहुत बड़ा कारण है इस अत्याचार का। बीकानेर के मैंने बताया पुलिसकर्मी अपहरण कर दुष्कर्म किया और फिर उसकी हत्या कर दी। राज्य सरकार आरोपियों को बचाने में जुटी रही। कुछ दिन पहले बीकानेर में सरे बाजार युवक को चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। सीकर में कोचिंग में पढ़ने वाली छात्रा को छोड़ने आए उसके पिता को भरे बाजार में गैंगवार ने गोली मार दी। बेटी की गोद में पिता ने दम तोड़ दिया। अलवर में 15 साल की मूक बधिर दिव्यांग बालिका के साथ दुष्कर्म कर उसे बीच सड़क पर पटककर चले गए। सरकार ने इस विभत्स घटना को दुर्घटना बताकर इतिशी करने की कोशिश की, क्योंकि उस समय कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी रणथंभौर, आपको होगा ध्यान, चुनाव था, लोकसभा का चुनाव था, उसमें रणथंभौर घूमने आई हुई थी। कहीं प्रियंका गांधी को इसकी भनक नहीं लग जाए, जो प्रियंका कहती थी मैं क्या कहती लड़की हूं, मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं। परंतु राजस्थान प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, यहां पर ना तो लड़की लड़ सकती है और ना ही महिलाओं पर इतना अत्याचार इस कांग्रेस की सरकार ने किया गया। अलवर के थानागाजी में पति के सामने पत्नी की गैंगरेप और उसका वीडियो बनाकर वायरल किया गया, ये उसी घटना है। अलवर में जिहादी मानसिकता के लोगों ने हरीश जाटव, योगेश जाटव, चिरंजीव जाटव सैनी को जिस प्रकार मारा
वह सरकार के अपराधियों से सांठगांठ का स्पष्ट प्रमाण है। कटुम्बर में 150 साल पुरानी गौशाला पर बुलडोजर चला दिया गया। सालासर में राम दरबार को बुलडोजर से ढा दिया गया। आपके अलवर के राजगढ़ में शिवलिंग को ड्रिल मशीन से तोड़ा गया। झुंझुनू के गगिया सागर ने सदियों पुराने राय माता के मंदिर में समुदाय विशेष द्वारा कब्जा करने की कोशिश की, जिसे सरकार ने संरक्षण दिया। यह सब घटनाएं इस ओर देखती हैं कि जो हमारे गृह मंत्री भी हैं, मुख्यमंत्री हैं, बिल्कुल निर्गुंच हैं, किसी प्रकार की वो राजस्थान प्रदेश की जनता को, आप ये बांसूर में ले लीजिए, बांसूर के 3 मामले मेरे सामने आए, सुनीता यादव हत्याकांड भूपसेड़ा में, इसमें तो 7 दिन तक लाश को सड़क पर लेकर के उसके परिवारजन सरकार से इंसाफ मांगते रहे, परंतु आज तक इस पर कार्रवाई नहीं हुई। आज तक भी जो दोषी हैं, जो मुजरिम हैं, वो खुलेआम घूम रहे हैं। महनपुर में गुजर समाज के बच्चे का नरकंकाल मिला, वो भी अभी तक गुत्थी नहीं सुलझी। हंसराज जो व्यापारी है, मतलब व्यापारी भी सुरक्षित नहीं। आप ये बांसूर में लिए नारायणपुर के साथ लूट में उसकी आंख फोड़ दी गई। जो अपराधी पकड़े हैं वो अपराधी है ही नहीं, वो अपराधी नहीं है, अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। और जो गरीब आदमी उनको पकड़ने का काम, और ये गहलोत साहब कहते हैं जी हमने पकड़ लिया, इस पर इतिशी करने की जा रही है। तो ये अपराध बिल्कुल बेलगाम हो रहे हैं। अब राजस्थान प्रदेश की जनता इसको सहने का काम नहीं करेगी।